हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो ट्रांसलेशन की हिंदी टू इंग्लिश सीरीज़ में हम स्टडी से रिलेटेड, मतलब अध्ययन से रिलेटेड सेंटेंसेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा आज चौथा वीडियो होने वाला है। ये चौथा टॉपिक, मतलब चौथा वीडियो का मतलब ये कि हमने तीन वीडियो में 10-10, 15-15 सेंटेंसेस कर लिए हैं और हम इसके आगे सेंटेंस बढ़ाने जा रहे हैं। तो और हम सेंटेंसेस स्टडी रिलेटेड अभी कवर कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हैं। इससे पहले अगर और सारी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाइए और सारी वीडियोज़ आपको स्टडी रिलेटेड नंबर वाइज आपको मिल जाएंगी, तो उसको देख लीजिए। उसके बाद ये सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस है, हमारे स्कूल में कल छुट्टियाँ हैं। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो हो जाएगा, आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर वैकेशन फ्रॉम टुमारो हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हैं। तो इसका हो जाएगा, आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर वेकेशन फ्रॉम टुमारो, मतलब कल से छुट्टियां हैं। उसके बाद है दूसरा हमारा सेंटेंस है, लड़कों समय समाप्त हो गया, पर्चे दे दो। जैसे परीक्षा होती है तो टीचर बोलते हैं ना, लड़कों समय समाप्त हो गया, पर्चा दे दो, मतलब पर्चे दे दो, आप सब लोग अपनी कॉपी जमा कर दो, पर्चे दे दो। तो इसका हो जाएगा बॉयज, लड़कों, तो इसके लिए हो जाएगा बॉयज, लड़कों समय समाप्त हो गया, तो इसका हो जाएगा टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, समय समाप्त हो गया। अब बचा है पर्चे दे दो, तो इसका हो जाएगा हैंड ओवर योर पेपर, हैंड ओवर योर पेपर्स, अपने पर्चे दे दो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तीन नंबर का, नया टाइम टेबल 1 मई से चालू होगा, नया टाइम टेबल 1 मई से चालू होगा, तो हो जाएगा द न्यू टाइम टेबल, द न्यू टाइम टेबल विल कम इंटू फोर्स फ्रॉम 1 मई, नया टाइम टेबल 1 मई से चालू होगा, द न्यू टाइम टेबल विल कम इंटू फोर्स फ्रॉम 1 मई। नेक्स्ट सेंटेंस है फोर नंबर सेंटेंस, देखिए, बकवास क्यों करते हो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, तो इसका हो जाएगा व्हाई डू यू चैटर, व्हाई
बकवास क्यों करते हो, अपना मुंह बंद करो, तो इसके लिए हो जाएगा स्पीक नॉनसेंस। स्पीक नॉनसेंस, या इसको बोल सकते हैं कीप शट, कीप शट, चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद करो। उसके बाद है 5 नंबर सेंटेंस है, मेरे पास फालतू पेंसिल नहीं है। मेरे पास फालतू पेंसिल नहीं है। आई डोंट हैव, आई डोंट हैव स्पेयर पेंसिल। स्पेयर मतलब होता है फालतू, स्पेयर पेंसिल, सी आई एल है ये, स्पेयर पेंसिल। आई डोंट हैव स्पेयर पेंसिल, मेरे पास फालतू की पेंसिल नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 6 नंबर, हमारी आपस में बोलचाल नहीं है। हमारी आपस में बोलचाल नहीं है। वी आर नॉट, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म, हमारे आपस में बोलचाल नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बक बक ना करो, तो इसका हो जाएगा डोंट स्पीक नॉनसेंस। डोंट स्पीक नॉनसेंस, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्टॉप, स्टॉप एक्टिंग, स्टॉप एक्टिंग, इसका मतलब होता है बक बक ना करो, स्टॉप एक्टिंग, डोंट स्पीक नॉनसेंस, या फिर स्टॉप एक्टिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या हाजिरी लग गई है, क्या हाजिरी लग गई है, तो इसका हो जाएगा हैज द रोल, हैज द रोल बीन कॉल्ड, हैज द रोल बीन कॉल्ड, हैज द रोल बीन कॉल्ड, क्या हाजिरी लग गई है। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, गणित तो मेरे लिए हवा है, मतलब जैसे कहते हैं ना लोग कि गणित तो मेरे लिए बहुत आसान है, हवा है। तो सेंटेंस है हमारा गणित तो मेरे लिए हवा है, या बहुत लोग बोलते हैं हलवा है, बहुत ही सरल है, तो मतलब एक ही यही सेंस होता है उसका, हवा है, हलवा है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो इसका हो जाएगा मैथमेटिक्स इज माई, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स इज माई बग बियर,
बगबियर मतलब होता है हवा, तो हो जाएगा मैथमेटिक्स इज माई बगबियर। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस हमारा है, यह प्रयत्न असफल रहा, या फिर हम लिख सकते हैं सब प्रयत्न असफल रहे, सब प्रयत्न असफल रहे, तो इसका हो जाएगा ऑल द एफर्ट्स failed, all the efforts failed, सारे प्रयत्न असफल रहे, all the efforts failed, सब प्रयत्न असफल रहे, सारी कोशिश खराब हो गई, तो इसको हम कह सकते हैं all the efforts failed। तो ये हमने आज 10 sentences वीडियो में सीखे हैं, स्टडी रिलेटेड सेंटेंसेस का इस समय चल रहा है सीरीज। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।